हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगेन वी हैव सम इंटरेस्टिंग एंड सीरियस अपडेट, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि एसेट वर्ड एंड गॉड लाइक की कंट्रोवर्सी थी, कुछ तो मैटर था जिसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, उसका भी रीज़न है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट अपनी पहली अपडेट है स्कॉट भाई की, तो रिसेंटली स्कॉट भाई ने एक वीडियो शेयर करी, पहले आप वो देखो। 20 time very early stages of BGMI YouTube, Scout used to blindly support every raw talent people in growing their YouTube channels. Daljeet ho gaya, Johnny ho gaya, ऐसे बहुत सारे हैं raw talent बहुत है। Scout अंधा support किया उस time पे, मेरे को पता है, because I am also from a 2019 competitive batch, तो उस time पे मैं ये सब देखता था। At that time I was not a YouTube। जैसे कि Mr. Spike ने बोला कि Scout भाई पहले भी रॉ टैलेंट को सपोर्ट करते थे, एंड हाँ आज भी वो रॉ टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, एंड उन्होंने रॉ टैलेंट से एक बहुत अच्छी टीम बनाई है, एंड आई होप वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे सभी अदर और की तरह। यानी अपनी नेक्स्ट अपडेट है गॉड लाइक वर्सेस एसेट ट्वेल्व। तो मैं गॉड लाइक और एसेट ट्वेल्व की जो कॉन्ट्रोवर्सी है, जो भी मैटर था, उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाली, बिकॉज आप जानते हो कि मैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी के रिलेटेड या कोई भी चीज़ ऐसी जो नेगेटिव पोर्ट्रेट करती हो किसी को भी, मैं उसको नहीं दिखाना चाहता। हाँ, बट कुछ केसेस में मैं तभी दिखाता हूँ जब मैं खुद उस मैटर से प्रॉपरली क्लेरिफाई हो चुका होता हूँ, मुझे उस मैटर के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि किसने क्या बोला, क्या सीन्स और था, तभी मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करता और ना ही मैं करूँगा, बिकॉज उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं कुछ नेगेटिव एंड या फिर कुछ भी नेगेटिविटी मेरे एंड से जा रही है, तो वो सपोर्ट मैं नहीं करता। देन गाइस, रेगल टॉस ने एंड गोल्डी भाई ने इसी नेगेटिव चीज़ों के बारे में कि नेगेटिव हेट कमेंट एंड उनकी फैमिली को टारगेट करते हुए, हेट कमेंट करते हुए, ग्रुप बना के बातचीत करते हुए बारे में कुछ बोला है, पहले आपको सुनो। मेरा एक ऐसा किसी को कुछ वो नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ एसेट्यूएल और सोल या एडबिट कितने फैंस हैं यहाँ पे, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। 3000 लोग देख रहे हैं, आप लोगों का कुछ ग्रुप है क्या, सोल फैन बेस का एक ग्रुप अलग से बन रखा है क्या? बस पूछना है क्या सिर्फ सामने से ही आता है, क्योंकि माँ बहन की गाली तो बहुत पड़ गई है लोगों ने। मैं पूछता हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करना गाइस, किसी की भी फैमिली को अब्यूज मत करना। फैन का मतलब गाइस, फैन या सपोर्टर का मतलब समझ जाना क्या होता है, तो दूसरों को हेट मत करना, ठीक है? नहीं है ना, बढ़िया। ग्रुप बनाना तो सिर्फ अच्छी चीज़ें रखना गाइस, किसी का भी ऐसा मजाक मत बनाना, ठीक है? इतना वेला टाइम नहीं है, ये नहीं, वो तुम लोग के ऊपर है। स्पेशली वहाँ से एजेंडा बना के को क्या टारगेट करना है, किसको कैसे गाली देनी है, कौन सी गाली देनी है, वो भी ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मतलब क्योंकि मेरे पुराने कमेंट पोस्ट पे भी लोग जाके वो कम्युनिस्ट क्या बोले, कौन सा वर्ड होता है वो जो करते हैं ना रिलीजन के बारे में, वो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मत करो, थोड़ा सा ये सब मत करो। एटलीस्ट किसी के पेरेंट्स को, किसी की फैमिली को टारगेट करना बंद कर दो गाइस। एंड जिस क्रिएटर का मैंने नाम नहीं लिया वो क्रिएटर बस शांत रहे, इतना बोलूंगा। बाकी जो है, अगर इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में मैं तीन बंदों का जवाब दे सकता हूँ, गोल्डिविया, थग एंड मोटल, वो कुछ पूछेंगे मैं इंस्टेंट जवाब दे दूंगा। सो और किसी को कुछ पूछना होगा तो सॉरी भाई, नहीं यहाँ कितना जान दो बताओ। तो बस इतना ही है गाइस, जो भी एसेट्यूअल फैंस हैं या सोल फैंस हैं, एडिट फैंस हैं, जो पर्टिकुलर फैंस हैं, बस ग्रुप मत बनाओ, ये हेट या गाली वाला ये सब मत करो, इसके हम अगेंस्ट हैं, पूरे अगेंस्ट हैं, ये सब मत करना, ठीक है? और किसी को भी मत करो भाई, बिल्कुल मत, एकदम अवॉइड करो। फैमिली पे, मदर पे, फादर पे, सिस्टर पे जाना, that's not, I think most of you have been raised and that's why most of you guys इतना हम लोग ऐसा attached भी हो, if I am not wrong, तो हाँ please ऐसा अगर करते भी हो तो आज से बंद कर दो, कसम खा लो कि आज से बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना? बात खत्म, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। yes, और गेम्स खेलते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीम करने आते हैं, फन कर रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी करनी होती तो जब गेम बैन था मैं तब करता, तब व्यूज नहीं थे बिल्कुल भी। सो लेट इट बी गाइस, बस इतना ही है, ग्रुप बना के गाली देना बंद कर देना, क्योंकि वो गलत चीज़ है, एंड रिलीजन के बारे में किसी के भी वो बहुत गलत चीज़ है, स्पेशली टेलीग्राम पे, क्योंकि वो भी ट्रैक हो जाते हैं, मुझे आज ही मेरे लॉयर से पता चला। शर्म की बात है यार, मतलब क्या होता है, मैं पोस्ट डालता हूँ ना, एक 700 तो चलो नहीं, मतलब इतने कमेंट्स आते हैं, एक साथ वही सेम अकाउंट, और मैं प्रोफाइल खोलता हूँ कोई वजूद नहीं है, कोई प्रोफाइल फोटो वही 2 रुपए की मॉर्फिंग कर रखी है, वो प्रोफाइल में कोई इन्फो नहीं है, तुम कौन हो, आपस को फॉलो करके खुद की मुर्गी चाट रहे हो, मत करो, गलत चीज़ है। प्लीज अगर देखो क्रिटिसाइज कर रहे हो अच्छे वे में करो, मजाक बना रहे हो तो भी अच्छे वे में बनाओ, ये इतना गंदा तो मत करो कि वल्गर लगे, देख के घिन आए, ये सब मत करो भाई। आई नो आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो, बच्चे भी हैं, बट जैसे कि मैं पहले आप लोगों को कहता हूँ कि हीट देखिए क्या मिलता है यार, अपने काम से काम रखो, जिसको पसंद करते हो उसको देखो, जिसको नहीं देखना पसंद मत देखो, क्यों हेट देना है। और हाँ, अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं तो यार तुम लोगों पे लानत है, लिटरली लानत, समझ रहे हो? यानी अपनी नेक्स्ट अपडेट है गॉड लाइक की, तो रिसेंटली खाता भाई ने ये पोस्ट शेयर करी,
बेसिकली वो इस पोस्ट में ये कहना चाहते हैं कि यार तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब लोग करोड़ों लोग हैं जो गेम खेलते हैं बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आप लोग ड्रॉप क्लैश करके अपना गेम क्यों ख़राब करते हो, भले ही सामने वालों का भी ख़राब करते हो फैन बेस के चक्कर में। तो ये आप लोगों की एक गलती है, इसको एज अ ब्लेसिंग एज अ वरदान समझो और इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। ड्रॉप क्लैश करके आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो एंड दूसरे का गेम भी बर्बाद कर रहे हो। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका सही से इस्तेमाल करो एंड कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल कमेंट का वो रिप्लाई नहीं देंगे, बेसिकली यही मतलब था। देन नेक्स्ट आप ये फोटो देख सकते हो कि अभी जॉनाथन भाई दुबई में एंड मे बी पूरी गॉड लैग भी दुबई में हो, और उसका रीज़न क्या है ये तो नहीं पता, बट जैसे मुझे पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊँगा। थैंक गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश भी ना, ओके बाय बाय।